मौर्य वंश से 11वां बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम मौर्य वंश को आज 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, पूरा मौर्य वंश हम खत्म करेंगे, क्योंकि वहां से 1 नंबर मेरा कंफर्म है। ये चीज बेहतर होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि कितना घंटा पढ़ाई करने से ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं, भगवान को पता है कि पढ़ते समय मोबाइल में कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, सब चीज चलते हुए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और काफी डाउटफुल क्वेश्चन जो कि हर किसी के मन में उपस्था है और किसी को इस पर विश्वास नहीं हो पाता है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और किसी को अपने आप पर विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो कितना भी पढ़ ले हर टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता है, और किसी न किसी टॉपिक से कंफ्यूजन रह जाता है। तो मन में ये आता है कि और ज्यादा पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, और ज्यादा पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो खैर, दिन तो 24 घंटा का ही होता है, तो उसी के अंदर किस तरह मैनेज करना होगा हम लोग को, तो उसी के अंदर आपको बताते हैं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। और ऐसे 3 स्टूडेंट को हम लोग ने अलग कर लिया है। एक ओल्ड स्टूडेंट, मतलब कि जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि अपनी तैयारी वो काफी दिन से कर रहे हैं, या बहुत सारे एग्जाम वो दे रखे हैं रेलवे से संबंधित, मतलब 1-2 बार एनटीपीसी का भी एग्जाम दे चुके हैं, ग्रुप डी का भी एग्जाम दे चुके हैं, और वो काफी मतलब ओल्ड हो चुके हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। फिर दूसरा ऐसा स्टूडेंट है हमारा जो कि न्यू स्टूडेंट है, मतलब वो अभी अभी उतरा है कंपटीशन में, 1-2 साल हुए हैं, उसको पता नहीं है क्या पढ़ना चाहिए, और एनटीपीसी का फर्स्ट बार वो एग्जाम दे रहा है, उसको कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। फिर तीसरे ऐसे स्टूडेंट जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं कॉमन स्टूडेंट, ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको सब चीज पता है कैसे पढ़ना चाहिए, हो सकता है एग्जाम दिए भी हैं, बीच में छोड़ भी दिए हैं, कुछ इनमें कमियां हैं, मतलब कोई 1-2 सब्जेक्ट इनका खराब है जिसके वजह से रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो उसको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो बताया आपको कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आजकल के एग्जाम के लिए, और सब दिन ये क्वेश्चन उपस्थित रहता है दिमाग में कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि घंटा पढ़ाई करने से बेहतर है कि क्वालिटी का पढ़ाई करें, कम ही पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें, और एक चीज को बार बार पढ़ने का आदत डालें। ये चीज बेहतर होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कितना घंटा पढ़ाई करने से ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं हम, है ना, इसको भी चुनना होगा। अब एनटीपीसी का एग्जाम है, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस से प्रश्न आएंगे, आप हो सकता है इंग्लिश पढ़ रहे होंगे अभी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, जबकि आपको वो देना नहीं है या बहुत दूर का सोच है, देना है एनटीपीसी अभी नजदीक में है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप 20 घंटा ही पढ़िएगा तो अच्छा तैयारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश आपका मजबूत होगा, पूछता है यहाँ पे रीजनिंग मैथ है और जीके जीएस है, तो यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि वैसे सब्जेक्ट को हम चुने जो ज्यादा स्कोर मेरे लिए लाए, और ज्यादा पढ़े तो ज्यादा फायदा भी हमको, है ना। तो अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे ओल्ड स्टूडेंट का जो पहले से एग्जाम दिए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, बहुत बार एग्जाम दिए हैं, और उनको पता है कि किस तरह से आते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कट ऑफ के कारण वो छंट जाते हैं, तो उनका स्टडी, उनका जो स्टडी का हम बात करें, तो उनको पढ़ाई के घंटे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको अब रिविजन पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा रिविजन किस सब्जेक्ट पर कितना है, मैथ का पोर्सन है, जीके जीएस का पोर्सन है, और इसमें रीजनिंग का पोर्सन है। तो सबसे फर्स्ट आप देखिए कि मेरा रीजनिंग में कितना स्कोर हो रहा है। आप लोग मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर सेट भी आप लोग मार रहे होंगे, किसी भी पब्लिकेशन का आप लोग सेट तो जरूर मार रहे होंगे, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम नजदीक आ गया है, 2 साल से इसकी तैयारी भी कर रहे हैं लोग, तो अब आ गया है समय कि अपनी तैयारी को जांचते रहिए, मॉक टेस्ट से जांचिए या प्रीवियस ईयर पेपर से जांचिए या किसी भी तरह का सेट जो मार्केट में उपलब्ध है उसे जांचते रहिए। तो सबसे पहले देखने आपको कि रीजनिंग में कितने, किसके लिए बता रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट के लिए, पुराने स्टूडेंट के लिए, कि इनको क्या करना चाहिए, रीजनिंग में कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं। अगर आपके रीजनिंग में 30 में से कम 22, 23, 25 के लगभग में सही हो रहे हैं, तो इसके लिए आप करते रहिए, इसको बदलाव नहीं करना है, आपको कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ सेट आपको मारते रहना है, और उसी में आपका जो प्रदर्शन होगा अच्छा होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मैथ का, तो मैथ में क्या करना चाहिए, तो मैथ भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैथ आपका हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सही होते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते होंगे, इसलिए कि फॉर्मूला याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कोई मिस्टेक होता होगा, तो यहाँ पर भी आपको किसी टॉपिक को नहीं पढ़ना। हाँ, अब ही टॉपिक का बात कर लें, परसेंटेज हो गया, ऐसा सीआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो इसको तो एकदम बेहतर कर लेना है आपको रिविजन के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ, है ना। तो यहाँ पे इसको मेहनत करके बेहतर कर लेना है। और अगर हम देख लें तो मैथ में भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहने, और जिस भी टॉपिक से आपको प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे हैं उसमें मेहनत करना है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जीके के बारे में, मतलब जीके और जीएस के बारे में। तो जीके जीएस के बारे में जब बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा पोर्शन लंबा है, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको पूछे जाएंगे 30 और इसमें 30, तो 30-30 में आप देख सकते हैं किस तरह से मैथ करना है आपको। अगर मैथ नहीं ठीक है तो मैथ में आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर ठीक है तो इसी सही है। और जीके जीएस में देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें जीके जीएस में ज्यादा मैथ करना है। तो अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि इतने नंबर आ रहे हैं, और आपको सिर्फ सेट मारते रहना है, टॉपिक बस वही पढ़ना है, जिस टॉपिक में आपको ज्यादा क्वेश्चन गलती हो रहे हैं वही टॉपिक पढ़ना है। तब इनके लिए हम बात करें तो इनको कम से कम अगर हम बात कर लें इनके लिए, तो इनके लिए कम से कम स्टडी इनको 6-8 घंटा करना चाहिए, और 6-8 घंटा का स्टडी आपको किसी टॉपिक पर नहीं करना,
मारना है, ओनली वन सेट मारना है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दें कि आपको रोज रेगुलर कम से 2 से 3 सेट मारना है। एनटीपीसी या ग्रुप डी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज 6 से 8 घंटे और 2 से 3 सेट आपको मारने हैं। सेट का समय ड्यूरेशन कम से कम 2-3 घंटा रखिएगा, क्योंकि वहां पे डिस्कशन के साथ सेट मारिएगा। और बाकी के बचे क्वेश्चन में जो सेट में क्वेश्चन गलती हो रहे हैं उस पे मेहनत करते रहिए। टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आप पहले से एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऐसे न्यू स्टूडेंट के बारे में जो अभी अभी एग्जाम में पहुंचे हैं और उनको पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर को उठाना चाहिए, उसको देखना चाहिए और उसे एनालिसिस करके वैसे टॉपिक्स जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि अगर मैथ में देख लें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज हो गया, एसएससी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एडवांस में पढ़ना नहीं है आप लोग को, तो ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं जैसे जीके जीएस में भी देख लेंगे, आपको आर्ट्स पे फोकस नहीं करना, साइंस पे करना है। जो नए छात्र हैं उनको आर्ट्स पे नहीं साइंस पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मेहनत करना है, तो इनको भी कह सकते हैं अगर अभी से भी ये मेहनत करना शुरू करते हैं, अगर करीब करीब 8 घंटे मिनिमम रख लेते हैं, 8 घंटे ज्यादा आपको लग रहा हो कि 8 घंटा ज्यादा है, तो इतना पढ़ने का आपको 8 घंटा हम बोल दिया, आप 8 घंटा पढ़िएगा तो 4 घंटा के बराबर होगा। हमको पता है कि पढ़ते समय मोबाइल में कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप चलता है, फेसबुक चलता है, सब चीज चलते हुए बता रहे हैं कि अगर आप 8 घंटा ही पढ़ते हैं और इसको लेस कर दें अगर हम, तो 5 घंटा आप अगर फोकस रूप से पढ़ते हैं अभी से भी न्यू स्टूडेंट और किसी खास टॉपिक पे, सबसे पहले आपको भी क्या करना है, रीजनिंग को मजबूत करना है। और आपको सेट मारने नहीं लगना है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जब सेट मारने लगते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि मेरी तैयारी कितनी है और वो डिमोरलाइज होकर अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं रीजनिंग पे। और फिर आपको साइंस पोर्शन पे मेहनत करना है, फिर आपको मैथ पे फोकस करना है। ठीक, किसके लिए है, न्यू स्टूडेंट के लिए। तो मैथ पे क्यों और साइंस पे क्यों, आर्ट्स पे क्यों नहीं, तो क्योंकि आर्ट्स आपसे कवर नहीं होगा, काफी लंबा है। साइंस को करिए, काफी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और ये जो आप करने लगेंगे तो आपको 1-2 महीना भी है एग्जाम में, 15 दिसंबर को एग्जाम नहीं होने, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, वो देख लीजिएगा जाके, तो उस पर एग्जाम नहीं होंगे, तो 2-3 महीना है उस पर तैयारी करेगा, आराम से अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे कॉमन स्टूडेंट के बारे में जिनकी तैयारी को कहा नहीं जा सकता है कि है या नहीं है, उन कभी कभी छटते हैं, मतलब कभी मैथ कमजोर है तो उसमें क्वेश्चन नहीं बन पाया, उसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, जीके के कारण नहीं हो पाया, रीजनिंग के कारण नहीं हो पाया, तो इनके लिए क्या करना चाहिए कि वैसे जो भी सब्जेक्ट, अगर मान लिया आपका कि मैथ आपका बहुत कमजोर है, आप इसमें इसी के कारण आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो मैथ पे आपको रेगुलर फोकस करना है। कम से कम मैथ के लिए आपको 3 घंटे निकालना है। और मैथ आप जब भी बनाइए तो रात के समय बनाइए, रात में जितना भी समय आपके पास बचे सोइए मैथ बना के, क्योंकि उस समय दिमाग सही काम करता है, शांत माहौल रहता है तो अच्छा से बनता है। ठीक है, उस समय याद नहीं, मैथ बनाना ज्यादा बेहतर माना था रात के समय, तो रात में मैथ बनाइए, आराम से उसको बनाते रहिए, कोई दिक्कत, जिसका भी मैथ कमजोर है सबके लिए है कि मैथ को इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। 3 घंटा कम से कम मैथ पर रोज दीजिए, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आप फिर बोर हो जाएंगे उसको बनाते बनाते। वैसे टॉपिक जो ज्यादा पूछे जाते हैं और उसका वो कवर हो जाता है, तो वैसे टॉपिक जिसे आने की संभावना है, ये तो आप जानते भी होंगे। तो फिर समझ गए आप लोग कितने घंटा पढ़ना है, इनको 3 घंटा पढ़ना है, मैथ पे फोकस करना है, और कुल मिला के अगर बात करें तो इनको भी जो है 5 से 6 घंटा पढ़ने ही है, क्योंकि आपका कोई एक टॉपिक कमजोर है और बाकी टॉपिक आपका मजबूत है, तो 5 से 6 घंटा में 3 घंटा आपको वैसे टॉपिक पे देना है जो कमजोर है, और फिर रीजनिंग और जीके जीएस को भी साथ में देखते रहना है। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। और क्या बताया आपको कि क्वालिटी पर पढ़िए, क्वांटिटी नहीं, कि हम 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, प्रीवियस ईयर को देख करके आप 3 घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में उसको फोकस करके आप 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं, तो वो 10 घंटा पढ़ने वाला भी आपके सामने फेल हो जाएगा, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर मौर्य वंश से क्वेश्चन 10 बार पूछे जा रहे हैं तो आज भी संभावना है इस एग्जाम में कि मौर्य वंश से 11वां बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हम मौर्य वंश को आज 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, पूरा मौर्य वंश हम खत्म करेंगे, क्योंकि वहां से 1 नंबर मेरा कन्फर्म है। तो इस तरह का एनालिसिस करके आप जब पढ़ते हैं तो कम पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और बिना कुछ जाने हुए पढ़ रहे हैं तो 20 घंटा पढ़ने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा। और ये सब करने के बाद, इतने स्टडी करने के बाद, कम से कम आप 1 से 2 सेट रेगुलर लगाते रहिए। अगर आप नए हैं फिर भी लगाइए, लेकिन आपको उतना जोर नहीं देना है, इसलिए क्योंकि सेट मारने से पता चलता है कि मेरा पोर्शन कौन सा कमजोर है। और सेट खास करके तब मारिए किसी अच्छा पब्लिकेशन का, मारिए किसी भी सेट को नहीं, क्योंकि सेट में मॉक टेस्ट में क्या होते हैं, काफी क्वेश्चन हार्ड दे दिया जाता है या इजी दे दिया जाता है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का सेट मारिए ना, इतना सारा एग्जाम हुआ एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो उसका किसी भी सेट का क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कहीं भी मिल जाएगा, उसको मारिए, वहां से समझ में आएगा आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है और कितने घंटे, कितने क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ मेहनत करें। तो अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लियर कट को, 6 से 8 घंटा आप अगर मन से तैयारी करते हैं और सब्जेक्ट वाइज तैयारी करते हैं कि जो पोर्शन मेरा कमजोर है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस, जो मेरा मजबूत है रीजनिंग मजबूत है थोड़ा सा कम फोकस, तो इस तरह से सोच के आप तैयारी करते हैं और सेट के साथ क्वेश्चन को देखते हुए समझते हैं कि मेरा तैयारी कितना है, तब देखिएगा आपका पढ़ने का तरीका ही बदलेगा और पढ़ने का जो क्षमता है वो बढ़ते जाएगा। और ये 6 से 8 घंटे जोड़ के 14 घंटे भी हो सकते हैं, आप करिए तो पहले 5 से 6 करिए, 3 से 4 ही करिए, आपके बढ़ते जाएंगे घंटे, और 10 से 11 घंटा भी आप पढ़ने लगेगा जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा। जब जब प्रेशर आता है तो नींद भी नहीं आता, ठीक है।
तो इसी तरह का वीडियो के साथ आपके हम मिलते रहेंगे, और आप लोग का हेल्प हम वीडियो के माध्यम से जरूर करते रहते हैं। बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पे डाले गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित, जिसका प्लेलिस्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा। इसमें मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बुक को बता दिया है कि कौन से बुक से आपको स्टडी करना चाहिए इस अंतिम समय में, और बहुत ही अच्छे बुक का सिलेक्शन आपको हम वहाँ करके दिए। उस वीडियो को जरूर देखिए, और स्ट्रेटजी पर भी वीडियो हम बना दिए हैं जो कि इस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम का प्लेलिस्ट है, इसमें आपको स्ट्रेटजी पर क्या रणनीति आपको करना चाहिए उससे भी संबंधित वीडियो आप देखिए उसमें जाके, ताकि आपका जो बेहतर व्यू है वो एग्जाम के प्रति अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो को लाइक करिए, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।